हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इलेक्शन चैनल। मैं नेम इज राजेश पासवान और आज की जो वीडियो है वो एक हमारे बड़े ही प्यारे पड़ोसी देश और बहुत ही फ्रेंडली कंट्री इंडिया की, वहाँ के एक मतलब वहाँ की वीडियो है। और मुझे फर्स्ट टाइम किसी नेपाली म्यूज़िक वीडियो की रिक्वेस्ट आई है और मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो नेपाल में भी लोग जो है देखते हैं। तो ये जो वीडियो है इसका नाम है एक मौका, और इसमें जो वो सिंगर हैं वो है नागेन श्रेष्ठा, हाँ वही हैं। रिटन कंपोज एंड परफॉर्म बाय, तीनों ही नागेन श्रेष्ठा ने किया है। म्यूजिक प्रोड्यूस बाय स्टोर नेटर, क्लास एक्स प्रेजेंटेशन, रिकॉर्ड लेबल क्लास एक्स प्रेजेंटेशन, शॉट एड बाय शायुज पोखरियाल, अश्विन, वीडियो कॉन्सेप्ट एंड स्क्रीन प्ले नागेन श्रेष्ठा। ओके, नागेन श्रेष्ठा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बहुत कुछ उन्होंने किया है। एम यू है अमोना भुजेल, कास्ट है शिल्पा थापा और पराश ठाकुरी। स्पेशल थैंक्स मकसेब सनिल, मंडीला जोशी, रियान शाह, राज बोहारा। तो ये थी इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस सॉन्ग के बारे में। और मैंने आई थिंक इससे पहले किसी भी नेपाली म्यूज़िक वीडियो पे रिएक्शन कभी नहीं दिया, ये फर्स्ट है। एक नेपाली वीडियो पे रिएक्शन दिया था पर वो एक जो है टूरिस्ट वीडियो थी। लिंक आपको अब ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। और चलिए अब फटाफट देखते हैं क्या है वीडियो। और नाम तो वैसे एक मौका है पर मुझे नहीं पता कि नेपाली में है कि हिंदी में। चलिए देखते हैं, मेरे ख्याल से शायद नेपाली में ही होगा। नेपाली म्यूजिक वीडियो है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 मेरी एक फ्रेंड है, उसका सरनेम श्रेष्ठ था, वो नेपाल से। नेपाल में शायद कुछ और बोलते होंगे, हम तो यहाँ बोलते हैं। एक मौका दे मलाई
दोनों के बीच की केमिस्ट्री अच्छी है। लड़की बहुत सक्सेसफुल गर्ल में बहुत अच्छे काम। क्या बात है भाई, नगीन जी का काम तो बढ़िया ही है। खत्म, मजार था यार। ओके, तो सॉन्ग अच्छा लगा मुझे और सब कुछ ही बहुत सही था। म्यूज़िक पूरा कंसेप्ट जो कि नागिनी श्रेष्ठा ने किया है, और सही में गाना भी अच्छा गाया है। पूरा वीडियो वीडियो कंसेप्ट कंपोज जो उनकी कई कंपोजिशन है सॉन्ग की, वो भी बहुत सही है। और जो फीमेल एक्ट्रेस है उन्होंने भी बहुत सही काम किया है, और बिल्कुल उनके एक्सप्रेशन बहुत बहुत अच्छे थे। और एक नई बात मुझे मालूम पड़ी कि नेपाल में भी गोलगप्पे खाए जाते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ सिमिलर है इंडिया और नेपाल के बीच में, तो कुछ मतलब उतना ज़्यादा वो शॉकिंग नहीं है, पर ये मुझे नहीं था पता कि गोलगप्पे खाए जाते हैं वहाँ पर। समोसे वगैरह भी खाते हैं क्या वहाँ पर? समोसे जलेबी और जितने भी इंडिया की जो, वैसे तो शायद खाते ही होंगे, वैसे मैं गया नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ के तो खाते होंगे। बाकी नेपाली फूड मैंने आज तक नहीं खाया हूँ। मेरी फ्रेंड जो है, मैंने बताया कि मेरी एक और फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है जिसका सर नेम श्रेष्ठा ही है, वो भी नेपाल से है। आज तक उसने मुझे नेपाली फूड जो है खिलाया है नहीं। मैंने पूछा था एक बार कि कैसा होता है, कभी खिला तो सही। तो फिर वो बोलती है नहीं, इंडिया के फूड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कोई ना, कभी मौका मिलेगा तो खाएंगे आप, क्योंकि मेरे जितने भी नेपाली फ्रेंड है वो खिलाते ही नहीं है यार। मैंने उनको बहुत बार बोला यार कुछ अपना नेपाल का बना के खिलाओ, खिलाते ही नहीं है महान। और जब भी उनको ऐसा बोलो तो मोमोज खिलाने जो है ले जाते हैं वो। चलिए, और सॉन्ग जो है वो बहुत सही था, और आप बताइए कि आपको ऐसा सॉन्ग कैसा लगा। और अगर कोई नेपाली मेरा सब्सक्राइबर ये देख रहा है, तो आप भी मुझे अपने जो कंट्रीज की वीडियो को सजेस्ट करो, मैं जो खुशी होगी एक्शन देने में, क्योंकि नेपाली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो नेपाल से भी मुझे बहुत प्यार है। चलिए, मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।